हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन ओपन कंसल्ट। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेन्युलम ब्रीवे नाम की बीमारी क्या होती है और उसका सही ट्रीटमेंट क्या है। तो फ्रेन्युलम ब्रीवे ये उन कुछ बीमारियों में से है जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते। ये मेल्स में पाई जाती है, ये कोई बहुत बड़ी या कोई कॉम्प्लिकेटेड बीमारी नहीं है, बट ये तकलीफ बहुत कॉज करती है जिनको होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो पेनिस है, पेनिस के नीचे एक फ्रेन्युलम नाम का स्ट्रक्चर होता है। जो फ्रेन्युलम नाम का स्ट्रक्चर है, इसका काम होता है कि ये इलास्टिक बैंड की तरह ये स्किन को ग्लैंड पेनिस से जोड़े रखता है। अगर ये कभी बहुत छोटा हो या बहुत टाइट हो जाए तो जब इरेक्शन होता है किसी व्यक्ति को तो उसको काफी पेन और डिस्कम्फर्ट हो सकता है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में डिसपेरोनिया कहते हैं। उसी पेन और डिस्कम्फर्ट के कारण उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो सकती है इतनी छोटी सी चीज की वजह से। तो फ्रेन्युलम ब्रेवे इज बेसिकली शॉर्ट फ्रेन्युलम और उसके कारण जो पीनिस है जब इरेक्ट होती है तो वो नीचे की तरफ कर्व भी हो सकती है कुछ एक्सट्रीम केसेस। एंड अगेन इट इज कंसिडर्ड एन एम्बेरसिंग सिचुएशन जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। तो आज इस वीडियो द्वारा मैं आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहूंगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट कितना सिंपल है। इसका ट्रीटमेंट जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो है फ्रेन्युलोप्लास्टी सर्जरी। अगर आप इंटरनेट पर ढूंढने जाएंगे तो आपको इसका मेडिकल मैनेजमेंट भी मिल जाएगा, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक सब किस्म का मैनेजमेंट मिल जाएगा। बट लेट मी वॉर्न यू कि आप उन चीज़ों के पीछे भाग के सिर्फ अपना समय बर्बाद करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, जो उसका फाइनल ट्रीटमेंट है, वो सर्जरी ही है। ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड या कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट सर्जरी नहीं है, काफ़ी कॉमनली किया जाने वाला प्रोसीजर है। तो फ्रेन्युलोप्लास्टी सर्जरी में ये होता है कि जो फ्रेन्युलम है उसको कट कर दिया जाता है और अगर पॉसिबल हो तो उसको पीछे की तरफ लाके ज्वाइन कर दिया जाता है। फ्रेन्युलोप्लास्टी करने के कई अलग अलग तरीके होते हैं। आप इसको एक सिंपल टेक्निक यानी कि ब्लेड से भी कर सकते हैं जैसे पहले किया जाता था, आप उसको इलेक्ट्रिक कॉटरी से भी कर सकते हैं, आप उसको लेजर द्वारा भी कर सकते हैं। फ्रेन्युलोप्लास्टी एक बार अगर करें तो हो सकता है कि अगर फ्रेन्युलम बहुत ही शॉर्ट है तो उसको पूरा कट कर दिया जाए, ये भी पॉसिबल है। इसको कहते हैं फ्रेनेक्टमी। उसको कट करने के बाद में फिर से स्टिचेस लिए जाते हैं तो उसको कहते हैं फ्रेन्युलोप्लास्टी। जो मोस्ट कॉमनली किया जाने वाला प्रोसीजर है दैट इज फ्रेन्युलोप्लास्टी। तो ये फ्रेन्युलोप्लास्टी करी कैसे जाती है? आपको लिटाया जाता है ऑपरेशन थिएटर में, आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है जिसके कि कारण आपका सिर्फ वही भाग यानी कि जो पीनिस का एरिया है वही सुन हो जाता है और फिर 10 से 15 मिनट के अंदर ये सर्जरी कर दी जाती है। कई बार हो सकता है कि ये सर्जरी सर्कमसिजन के साथ करी जाए बिकॉज ये बीमारियां कुछ लोगों में साथ में पाई जाती है। सर्कमसिजन क्या होता है, क्यों करते हैं, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं। तो फ्रेन्युलोप्लास्टी ऑपरेशन होने के बाद आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा? फ्रेन्युलोप्लास्टी होने के बाद आपको हाइजीन काफ़ी मेंटेन करनी पड़ेगी। सर्जरी होने के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो रेकमेंडेड नहीं है 3 से 4 हफ्ते तक, जब तक कि वो घाव पूरा अच्छी तरीके से भर ना जाए। अगर वहाँ पे आपको दिखे कि थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है तो आप वहाँ पे कुछ प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अगर लगे कि वहाँ पे कुछ गंदगी जमा हो गई है तो आप सादे पानी से उसमें थोड़ा डेटॉल डाल के उसको क्लीन कर सकते हैं। तो ये तो हो गए आपके सर्जरी के बाद के इंस्ट्रक्शन। एक बार आपकी सर्जरी हो गई तो आपको क्या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? आपकी सर्जरी होने के बाद आप सेम डे या तो अगले दिन घर जा पाएंगे। थोड़ा बहुत आपको पेन होगा जो कि एक बेसिक पेन किलर मेडिकेशन से कंट्रोल हो जाना चाहिए। आपको हो सकता है कि अपने ऑफिस के काम करने के लिए 1 या 2 दिन का रेस्ट लेना पड़े पेन के कारण मोस्टली, डिस्कम्फर्ट के कारण मोस्टली। अगर आप अपना काम करना अगले दिन से शुरू भी कर दें तो भी कोई नुकसान नहीं है। फ्रेन्युलोप्लास्टी सर्जरी कराने के एडवांटेजेस क्या हैं? आपकी जो हमेशा से तकलीफ थी कि इंटरकोर्स के दौरान पेन होना या आपके पेनिस को कर्व हो जाना या उसके कारण आपको डिस्कम्फर्ट होना, ये चीज़ें जो हैं इसका आप परमानेंट तरीके से इलाज कर पाएंगे। क्या इस सर्जरी के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन है? तो मैं बताऊंगा कि इस सर्जरी के कोई ऐसे बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपको कुछ ब्लीडिंग हो सकती है, हो सकता है कि आपको थोड़ी स्वेलिंग हो, आपको पेन हो, रिकवर होने में आपको 1 से 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक लग सकते हैं, बट उससे ज़्यादा कोई ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन जो है वो इस सर्जरी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। एक बार अगर आपकी सर्जरी हो गई तो ये बीमारी आपको फिर से होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ तुरंत ही इम्प्रूव होता हुआ देखेंगे और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट का आप पूरा फायदा उठा पाएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और आज इस वीडियो में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है उससे आपकी मदद हुई, आप अपने दोस्तों के साथ अपने फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए, सही ट्रीटमेंट का फायदा उठाइए एंड लिव हेल्दी लिव स्मार्ट।